नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पीडीपी चीफ और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करने की मांग की है। महबूबा ने तिरंगे के लिए जो कहा उस पर बीजेपी नाराज है। कांग्रेस ने भी नाराजगी जताई है, उनके बयान की निंदा की है। पिछले साल अगस्त में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तब कई नेताओं समेत महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया। पिछले दिनों ही उनकी नजरबंदी खत्म की गई। इसके बाद जब वो पत्रकारों से मिली तब उन्होंने झंडे को लेकर बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है और हमारा इस उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। मुफ्ती के इस बयान की बीजेपी ने निंदा की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती के बयान को संज्ञान में लें। मुफ्ती पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम अपने खून की एक एक बूंद, अपने झंडे, देश और मातृभूमि के लिए बलिदान कर देंगे। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, इसीलिए यहाँ केवल भारतीय तिरंगा ही फहराया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है इससे आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 370 का हटाया जाना संवैधानिक प्रक्रिया थी। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। तथा कथित सेकुलर लॉबी उनके इस एंटी नेशनल बयान पर चुप क्यों है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी मुफ्ती के इस बयान पर असहमति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है, उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा कि इस बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि तिरंगा देश की अखंडता का प्रतीक है और ये याद दिलाता है कि किस तरह सभी ने एक साथ मिलकर आज़ादी हासिल की थी। इस पूरे विवाद के बीच महबूबा मुफ्ती को गुपकार संगठन का उपाध्यक्ष और फारूक अब्दुल्ला को अध्यक्ष चुना गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे गुपकार संगठन नाम दिया गया है। संगठन ने जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे को अपना लिया है और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह गठबंधन को औपचारिक रूप देने की कोशिश है। फारूक ने कहा, जो लोग ये कह रहे हैं कि गुपकार एंटी नेशनल है वो गलत हैं। हम एंटी बीजेपी हैं और इसका मतलब एंटी नेशनल नहीं होता। उन्होंने देश और इसके संविधान को नुकसान पहुंचाया है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनका हक वापस चाहते हैं। बस वो अब फेल होने लगते हैं तो धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी वरुण। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।